फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट की ओर से आयोजित सुपर सिंगर राजस्थान की, जिसका जयपुर के वेदा पानीग्रह में ऑडिशन हुआ। इस दौरान सैकड़ों प्रतिभागियों ने ऑडिशन में भाग लिया। ऑडिशन में एक कंटेस्टेंट ऐसा परफॉर्म उसके द्वारा किया गया जिसने जजेस का दिल जीत लिया। सबसे खास बात यह है कि ये कंटेस्टेंट आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन अपने सुरों से जजेस जावेद हुसैन, रोहित कटारिया, दीपशिका भट्ट को मंत्रमुग्ध जरूर कर दिया। इस मौके पर कंटेस्टेंट सुनील और उसके पिता से खास बातचीत की सहयोगी शिवांगी सिंगराव ने। फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट प्रेजेंट सुपर सिंगर प्लस राजस्थान का आगाज आज जयपुर में हो चुका है और आज है ऑडिशन। चार दिन के ऑडिशन है, पहले तीन दिन के थे, लेकिन इतनी एंट्रीज आई है, इतना क्रेज देखने को मिल रहा है पिंक सिटी में गानों का, इसलिए चार दिन कर दिया है तीन दिन से ऑडिशन का टाइम। मेरे साथ इस समय काफ़ी स्पेशल कंटेस्टेंट मौजूद है, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। उनकी जर्नी के बारे में मैं खास तौर पर हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी कि उनकी जर्नी कैसी रही है, तो मैं उनसे कुछ खास बातचीत करूँगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील शर्मा है। और आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे प्रैक्टिस करते हुए, मैं 9 साल का बच्चा था जब से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अब तक प्रैक्टिस ही चल रही है मेरी। आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ? फैमिली का सपोर्ट तो बहुत अच्छा है। अभी मेरे फादर ही मेरे साथ आए जी, और उनका मतलब आधे से ज़्यादा हर काम में, चाहे म्यूज़िक हो चाहे से कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी काम, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है जी। आपके फेवरेट सिंगर कौन है, किनको आप फॉलो करते हैं? मेरे फेवरेट सिंगर वैसे राहत फ़तेह अली खान साहब है, लेकिन ऑल सिंगर्स को मैं लाइक इसलिए करता हूँ तो क्योंकि वर्सेटिलिटी बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्योंकि आप स्पेशल हैं तो आपको क्या इस रीज़न के वजह से कभी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई, या फिर आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करके और अपना गोल सेट करके इसमें परफॉर्म करते आ रहे हैं शुरू से? प्रॉब्लम्स तो कभी कभी बस लिरिक्स देखने की या कोई चीज़ देखने की आती है, लेकिन उस चीज़ को तो मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मेरे को आधे से ज़्यादा मैं सुन सुन के याद करता हूँ सॉन्ग्स वगैरह, तो उसमें ही मुझे अक्सर सॉन्ग्स वगैरह याद हो जाते हैं, तो मैं इतना किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देता। तो आप किसी से सीखते हैं या आप सेल्फ खुद प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, मैं सीखता हूँ, हमारे गुरुजी है श्री नरेंद्र सारवान जी और बलवीर जी शेखावत जी। मैं आपके पापा से भी बातचीत करना चाहूँगी थोड़ी, तो सर आप मुझे ये बताएं, आपका बेटा है, आप इसे सुपर सिंगर प्लस राजस्थान में लाए हैं, पहली बात तो मुझे बताइए आपको इस प्लेटफॉर्म का कहाँ से पता चला? प्लेटफॉर्म का इनका जो एक दोस्त हैं उन्होंने बताया था, वो बच्ची भी आई थी और बोले सुनील ये कंपटीशन देना है, वो भी देके गई है कल, तब पता चला, तो उन्होंने ये बोला चलो चलो पापा देके आते हैं। देखिए, आज आपके बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्म किया है, आपको कैसा फील हो रहा है? आप अपने बेटे को यहाँ लेके आए हैं और उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है आज यहाँ, बीइंग अ फादर आप कैसा फील कर रहे हैं? जब बच्चा अच्छा बढ़ता आगे तो हर माँ बाप का अच्छा एटीट्यूड होता है, वो फील करता है कि हाँ अपना बच्चा आगे बढ़ रहा है, और बाकी तो जजेस के ऊपर है और ऊपर गॉड के ऊपर है, श्याम बाबा के ऊपर है, बाकी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो अच्छा परफॉर्मेंस देगा ही आगे से। आगे से विशारद कर रखा है, नाक से सेनाई बजाता है, बीट बॉक्सिंग करता है, तबला वादक है, और राजस्थान में करीब करीब काफ़ी कंपटीशन जीता हुआ है, सुपर सिंगर वगैरह, रेडियो सिटी वगैरह, काफ़ी अवार्ड्स हैं इसके पास। ये आपका बच्चा इतना स्पेशल है और आप इसे इतना सपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, आप उन फैमिलीज़ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके घर में स्पेशल बच्चे जन्म लेते हैं, और आगे बढ़कर उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें, कि वो भी स्पेशल हैं लेकिन अपना काम उतना ही बखूबी कर सकते हैं जितना बाकी सब करते हैं, तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज ये दूंगा कि जिनके भी घर में ब्लाइंड बच्चे हैं, दिव्यांग हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, अगर वो दिव्यांग है तो उनको उसी हिसाब से सपोर्ट करना चाहिए, और अगर ब्लाइंड है, अगर उसको जिस चीज़ में रुचि है उस रुचि में उसको डालना चाहिए। आज ऐसे ऐसे देश के ब्लाइंड जो आप लोग नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर चलाते हैं और करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, तो उनकी लाइफ सेट हो जाती है। हमें एक बार तो दुख हुआ जब बच्चे का पता चला, लेकिन जब से इसने संगीत सीखा, ये घर में तबले बजाता था, दीवार बजा देता था, तो इसकी सिस्टर ने कहा बोले इसको कॉलेज में बिठाएंगे, तब से अभी तक चल रहा है और अच्छा गा रहा है, अच्छा कर रहा है। हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, उसकी सपोर्ट करना चाहिए। बहुत खूब कहा आपने। सुनील, आप हमारी जनता को और जितने स्पेशल और भी हैं आपके जैसे जो कुछ करना चाहते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा कुछ गुनगुना दे अगर हमारे लिए। जरूर जरूर।
चलूं मैं तेरे पीछे पीछे बाकी सारे बंधन तोड़ दूं, जो तेरे तक ना जाए उस रास्ते को छोड़ दूं, हर ख्वाब मेरा उम्मीद मेरी मैं तुझसे जोड़ दूं, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं, जोड़ दूं, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ लूं। थैंक यू। तो देखिए, ये होता है जोश। चाहे कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, जोश कम नहीं होना चाहिए। इसी के साथ कैमरामैन साहिल के साथ शिवांगी सिंह राव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।